देश के लिए बहुत ही गौरव का दिन है। दुनिया का सबसे बड़ा पुतला स्टैच्यू ऑफ यूनिटी हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लगाया। ये हम सब भारत देश के लोगों के लिए गौरव की बात है, और खास करके हम बोरीवली के लोग तो भाग्यवान इसलिए कि हमने बोरीवली में सभी लगभग महापुरुषों के नाम पर बगीचे, प्ले ग्राउंड से सारे बनाए हैं। और ये जो आप सरदार वल्लभ भाई पटेल उद्यान देख रहे हो, ये उनके नाम से है। और यहाँ हर साल जयंती का कार्यक्रम होता है और व्याख्यान होता है, और आज भी आपने जो व्याख्यान देखा होगा, याज्ञिक जी ने बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन हम सबको किया है। तो ये बोरीवली की विशेषता है कि हम महापुरुषों का सम्मान करते हैं और आने वाले दिनों में भी इसकी गरिमा को बढ़ाने का काम करेंगे। सर, लेकिन विपक्ष इस मूर्ति का अनावरण के बाद से कई तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं कि मूर्ति तो बन गई लेकिन राम मंदिर कब बनेगा, महंगाई कब कम होगी। देखिए, मूर्ति लगा है, राम मंदिर भी बनेगा, महंगाई भी कम होगा। विपक्ष के पास अभी कोई मुद्दा नहीं है, तो मूर्ति इतना बड़ा लग गया है देश में, उसकी स्तुति करने का छोड़कर तमिल भाषा में ये गलती हुआ, गुजराती भाषा में ये गलती हुआ, इस प्रकार की बातें लाते हैं। जो इतना बड़ा गौरव मिला है भारत देश को, उसका मजा लेने का छोड़कर उस मजे को किरकिरा करने का काम जो विपक्ष करते हैं, ऐसे लोगों को राष्ट्रभक्त मानना नहीं चाहिए। क्यों सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जयंती के अवसर पर ऐसे किसी का भी नाम लेकर उनकी गरिमा को कम कर रहे हो।